गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सेकेंडरी और टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं कि सेकेंडरी और टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो यहाँ पे समझते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है प्रोवाइड स्टेबल स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो प्रोग्राम और डेटा, जिसको हम इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन के लिए एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ये प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि प्रोग्राम और डेटा जिसको इंफॉर्मेशन बोला गया है, तो उन इंफॉर्मेशन को अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो वो परमानेंटली स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो प्रोवाइड करता है स्टेबल स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा। उसके बाद जो है, दे हैव लार्ज कैपेसिटी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है इसमें लार्ज कैपेसिटी होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। उसके बाद लेस कॉस्ट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। एंड प्रोवाइड स्लोअर स्पीड, अगर इसकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस से कंपेयर करें तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के कंपैरिजन में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो स्पीड स्लोअर प्रोवाइड करता है। डेटा टू द सेकेंडरी स्टोरेज कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर CPU। तो जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली प्रोसेस नहीं किया जा सकता है कंप्यूटर CPU के द्वारा। कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग के द्वारा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज में। तभी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस इंफॉर्मेशन को प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो इट मस्ट फर्स्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज। तो जो इंफॉर्मेशन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में पड़ी हुई है उसको अगर प्रोसेस करना है तो उसके लिए उसको प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो दे इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपका मैग्नेटिक डिस्क भी आता है। तो मैग्नेटिक डिस्क आर यूज्ड एज वर्चुअल मेमोरी। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है उसको हम वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, स्वैप स्पेस के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। किसके लिए? प्रोसेसर के लिए, और उन डेटा के लिए जो डेटा या तो बहुत बड़े हैं और प्राइमरी मेमोरी में फिट नहीं हो रहे हैं। और मस्ट बी टेम्परेली स्वैप्ड आउट टू डिस्क टू इनेबल अदर प्रोसेस टू रन। और मैग्नेटिक डिस्क जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, कोई बड़ी इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन है, बट उससे पहले या उसके बाद कोई प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस रन करना चाहता है, तो दूसरे प्रोसेस को रन करने के लिए उस बड़ी इंफॉर्मेशन को टेम्परेली जो है स्वैप आउट कर दिया जाता है। टेम्परेली वापस डिस्क में ही ले जा करके उस इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जब दूसरा प्रोसेस रन हो जाता है तब जा करके उस मैग्नेटिक डिस्क से वो इंफॉर्मेशन उठ करके थोड़ी थोड़ी करके आती है किसके पास? बफर कैशे के पास। और बफर कैशे से फिर जो है थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन
मेन मेमोरी में जाती है और इस तरीके से परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो है वो है मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क का मतलब जैसे सीडी वगैरह हो गया। तो मैग्नेटिक डिस्क आर यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम। तो मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते हम बल्क क्वांटिटी में किसी डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। एंटायर डेटाबेस इज स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक डिस्क, और जो है पूरा का पूरा डेटाबेस जो है मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाता है, और पोर्शन ऑफ इट, और इस एंटायर डेटाबेस का एक छोटा छोटा पोर्शन जो है ट्रांसफर किया जाता है मेन मेमोरी में, जब भी इस डेटाबेस को इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है। इट हैज डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग मच लार्जर एक्सेस टाइम। तो मैग्नेटिक डिस्क की जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो है लॉन्गर एक्सेस टाइम लगता है। दैट मीन्स कि अगर मैग्नेटिक डिस्क से इंफॉर्मेशन उठ करके प्राइमरी मेमोरी में आएगी तो जो है उस इंफॉर्मेशन को प्राइमरी मेमोरी में आने में जो है ज़्यादा टाइम लगता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। मैग्नेटिक डिस्क आर अवेलेबल टूडे टू स्टोर वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम फ्यू गीगाबाइट्स टू 100 गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, ईटीसी। तो आज के टाइम में हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, जो कि कुछ गीगाबाइट से लेकर के 100 गीगाबाइट्स, 100 टेराबाइट्स तक के इंफॉर्मेशन को जो है मैग्नेटिक डिस्क जो है स्टोर करने में कैपेबल है। तो ये है मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। नाउ नेक्स्ट जो है फिक्स डिस्क। तो फिक्स डिस्क कौन से होते हैं? तो हार्ड डिस्क को हम फिक्स डिस्क बोलते हैं, रिमोवेबल डिस्क को हम फिक्स डिस्क बोलते हैं, विंचेस्टर डिस्क इसको भी हम फिक्स डिस्क बोलते हैं। तो आपका हार्ड डिस्क, रिमोवेबल डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, ये सारे के सारे क्या है? फिक्स्ड डिस्क है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है वो है एक्सचेंजेबल और फ्लेक्सिबल डिस्क। तो एक्सचेंजेबल और फ्लेक्सिबल डिस्क कौन कौन से होते हैं? जैसे फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, जैज डिस्क और सुपर डिस्क, ये सारे के सारे क्या है? एक्सचेंजेबल और फ्लेक्सिबल डिस्क है। तो इनके एडवांटेज क्या है? तो इनके एडवांटेज जो है ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। दैट मीन्स कि अगर अगर कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया जाए तब भी इंफॉर्मेशन परमानेंटली इन डिस्क में पड़ी रहेंगी। इट हैज वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इन डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लेस एक्सपेंसिव, तो जो है लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और डिसएडवांटेज क्या है? ग्रेटर एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। तो जब इस डिस्क में से कोई इन्फॉर्मेशन फेच करके मेन मेमोरी में लाई जाती है तो फेच करने में, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में टाइम जो लगता है वो टाइम ज़्यादा लगता है। तो डिसएडवांटेज क्या है? ग्रेटर एक्सेस टाइम है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। स्टोरेज डिवाइसेस की जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास है वो है टर्टियरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो देखते हैं कि टर्टियरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है। तो टर्टियरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है दे आर यूज फॉर अर्काइवल पर्पस। तो टर्टियरी मतलब टर्टियरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है उसको यूज करते हैं
अर्काइबल पर्पस के लिए। तो अर्काइबल पर्पस का क्या मतलब है कि कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम में पड़ी हुई है एज ए बैकअप फाइल के रूप में, तो हम क्या करते हैं उस बैकअप फाइल की भी एक और फाइल बना करके सेपरेटली उसको घर में या ऑफिस में कहीं पे रख दिया जाता है, तो उसको अर्काइव फाइल बोलते हैं। तो इन केस वो फाइल जो सिस्टम में पड़ी हुई है वो क्रैश हो जाए या डिलीट हो जाए, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ से लाएंगे? तो वो इन्फॉर्मेशन जो हमने सेपरेटली घर में या ऑफिस में स्टोर ऑफिस या घर में जो हमने स्टोर करके रखा है, मतलब कहीं पे सेफली उसको रखा है, तो उस फाइल को हम दोबारा ले करके यानी कि उस अर्काइव फाइल को यूज़ करके हम वो फाइल जो सिस्टम पे लॉस्ट हो गई है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो अर्काइव फाइल का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन को किसी डिस्क वगैरह में रख करके उस डिस्क को परमानेंटली घर में या ऑफिस में रख दिया जाता है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द सिस्टम। अगर वो फाइल डिलीट हो जाए तो उस फाइल से जो हमने घर या ऑफिस में रखा है वहां से फाइल को या इन्फॉर्मेशन को रिकवर कर लिया जाता है। तो दे आर स्लोएस्ट एक्सेस ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। तो टर्टियरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो स्लोएस्ट क्लास ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस है। दैट मीन्स कि वो फाइल्स जो फाइल हमने अर्काइव फाइल बनाई है घर में या ऑफिस में कहीं रख दिया है, अगर उस फाइल में से जब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं तो बहुत स्लो एक्सेस होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टर्टियरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो स्लोएस्ट क्लास ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस है। इसके बाद दे आर इनएक्सपेंसिव। ये इनएक्सपेंसिव है दैट मीन्स कॉस्टली नहीं होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर रिमूवेबल मीडिया। ये रिमूवेबल मीडिया होते हैं मतलब सिस्टम में टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस है, थोड़ी देर के लिए सिस्टम में लगा करके इंफॉर्मेशन को उसमें पेस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उस स्टोरेज डिवाइस को सिस्टम से हटा करके घर में या ऑफिस में रख दिया जाता है। तो ये था टर्टियरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो टर्टियरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो है ऑप्टिकल डिस्क है। तो इसी वीडियो लेक्चर में मैंने शायद फर्स्ट स्लाइड में मैंने मैग्नेटिक डिस्क को बोला था कि वो कोई सीडी वगैरह है, तो वो सीडी नहीं है, हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क वगैरह बोलते हैं। तो जो सीडी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क में आता है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। तो ऑप्टिकल डिस्क समझते हैं जो टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस का फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या होते हैं? एन ऑप्टिकल ड्राइव इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्क ड्राइव दैट रीड्स एंड राइट्स डेटा फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क थ्रू लेजर बीमिंग टेक्नोलॉजी। तो ऑप्टिकल डिस्क जो है, ऑप्टिकल ड्राइव जो है, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर डिस्क ड्राइव है जो डेटा को रीड करता है, राइट करता है ऑप्टिकल डिस्क से लेजर बीमिंग टेक्नोलॉजी से। तो इसको आगे पढ़ते हैं तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ ड्राइव अलाउस ए यूजर टू रिट्रीव। इस तरह के जो ड्राइव है ये यूजर को अलाउ करता है कि आप डेटा को, कंटेंट को रिट्रीव भी कर सकते हो ऑप्टिकल डिस्क से, उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो कंटेंट को, डेटा को ऑप्टिकल डिस्क से। और ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन से होते हैं? तो जैसे सीडीज, इसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, डीवीडीज इसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क इसको भी ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। तो ऑप्टिकल ड्राइव्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो ये ऑप्टिकल ड्राइव्स जो है ये कॉमन कंप्यूटर कंपोनेंट्स है। एनी ऑप्टिकल ड्राइव
में ऑल्सो बी नोन एज एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। तो किसी भी ऑप्टिकल ड्राइव को, यानी कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क को हम डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी बोल सकते हैं, और शॉर्ट में इसको ODD भी बोल सकते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के एडवांटेज कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो लार्ज स्टोरेज डिवाइसेस है ये, मतलब लार्ज डेटा को ये स्टोर कर सकता है। रिलायबल एज कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क, पीछे हमने फ्लॉपी डिस्क के बारे में देखा है, तो फ्लॉपी डिस्क की तुलना में, कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा अच्छा है। नॉन वॉलेटाइल है ये, अगर कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन ऑप्टिकल डिस्क में परमानेंटली पड़ी रहेगी। डिसएडवांटेज क्या है कि डेटा वंस रिटर्न कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एक बार ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को राइट कर दिया, जैसे सीडीज वगैरह में एक बार डेटा को राइट कर दिया जाता है, तो फिर उस डेटा को हम उसके बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। मैग्नेटिक टेप, तो टर्टियरी स्टोरेज डिवाइसेस में जो दूसरा स्टोरेज डिवाइस है वो है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो है कि पहले लोग म्यूजिक प्लेयर में कैसेट्स डाल करके सॉन्ग सुनते थे, तो कैसेट में जो वो रील होती थी उसी को मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। तो इन मैग्नेटिक टेप ओनली वन साइड ऑफ द रिबन इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। तो मैग्नेटिक टेप में वो जो रील होती है, रिबन होती है, तो रिबन के किसी एक साइड पे ही कोई डेटा स्टोर हो सकती है। कोई सॉन्ग, जैसे वो एक इंफॉर्मेशन होगी, एक डेटा हो गई, तो वो सॉन्ग स्टोर हो सकता है उस मैग्नेटिक टेप के रील के एक साइड में। तो इट इज सिमिलर टू द टेप यूज्ड इन टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर में लोग जो है कैसेट डाल करके जो सॉन्ग सुनते थे, तो उसी जो है टेप के सिमिलर है ये मैग्नेटिक टेप। इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो एडवांटेज क्या है, इट इज मच चीपर देन मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में, कंपैरिजन में ये ज़्यादा चीपर है, ज़्यादा सस्ता है, नॉन वॉलेटाइल है, कंप्यूटर को आप स्विच ऑफ कर दोगे, इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगी। डिसएडवांटेज क्या है, तो डेटा एक्सेस इज सिक्वेंशियल एंड मच स्लोअर। जब डेटा को एक्सेस करते हैं मैग्नेटिक टेप से, तो बहुत स्लोअर, मतलब बहुत स्लो में डेटा एक्सेस होता है, और ये सिक्वेंशियल वे में डेटा एक्सेस होता है। बीच से कहीं भी इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड्स आर मस्ट बी प्रोसेस्ड इन ऑर्डर इन विच दे रिसाइड ऑन द टेप। तो जिस भी मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्ड्स वगैरह स्टोर की जाती है, तो वो रिकॉर्ड जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है, 1, 2, 3, 4, 5 के ऑर्डर में। तो फर्स्ट रिकॉर्ड को पहले रिट्रीव करेंगे, उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, फिर थर्ड। ऐसा नहीं है कि बीच में सीधे एकदम पांचवे रिकॉर्ड को जो है एक्सेस कर ले। तो ये था मैग्नेटिक टेप। मेरे हिसाब से तो मैग्नेटिक टेप का जमाना जा चुका है। तो बस यहाँ पे आपके नॉलेज पर्पस से था ये। तो फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मेरा ये सेकंड वीडियो लेक्चर भी जो है यहाँ पे फिनिश होता है। बाकी फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।